बच्चों आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये होगा। दूसरी टाइप का ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तब आपसे पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछा जाता है। यहां पर मैं आपको रोकूंगा और दो क्वेश्चन कराऊंगा और किस तरह से क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड थर्ड टाइप ये होता है कि पोटेंशियल दिया जाएगा। इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, पोटेंशियल पूछा गया, अब पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के दो तरीके हैं। हो सकता है जो आपको पोटेंशियल दिया गया है वो सिंगल वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी है। अगर पोटेंशियल में मल्टीपल वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, इसका मतलब है कि वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। क्या करोगे आप? पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। कंपटीशन में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और होती है एरिया, एरिया निकालना हो या स्लोप निकालना हो, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन डील करोगे आप। ग्राफ किसका होगा? V वर्सेस R ग्राफ होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होगा। और उस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, उसका एरिया क्या होगा, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें E तो गिवन होगा और हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा एट अ पॉइंट। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती थी तब हम निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है। मैंने कहा था मैं आपको दो बातें बताऊंगा, कैसे पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है, क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा और कैसे करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे और फोर्थ टाइप भी देखेंगे। मतलब हम लोग वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम है, एक है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम। पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम में पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना सीखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, पोटेंशियल एक पॉइंट पे दिया है और दूसरे पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फॉर्मूला ये लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा है देखो, यहां पे लिखा है माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये लिखा हुआ है। मुझे क्या मालूम है? देखो ई दिया है, डी आर नहीं मालूम, तो डी आर आप क्या लिखते हो? देखो डी आर आपको ये लिखना पड़ता है, डी आर इक्वल टू, अगर एक्स और वाई दिया है, एक्स और वाई दिया है तो यहां लिखोगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अगर एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होते पॉइंट में तो हम डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप लिख लेते। यहां पर देखो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, यहां आएगा डी वी और यहां आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। क्लियर हुआ? अब जरा देखो यहां पर थोड़ा रुकना है। यहां पर जब पॉइंट होता है वन कामा वन, क्या होता है? ए पॉइंट होता है। जब यहां पर पॉइंट होता है ए, तब यहां पर पोटेंशियल होता है वी ए। जब पॉइंट होता है बी, तब यहां पर पोटेंशियल होता है वी बी। क्लियर हुआ? जब ए पॉइंट लेंगे मतलब वन कामा वन लेंगे तब पोटेंशियल वी ए होगा, जब पॉइंट वी लेंगे टू कामा टू तो पोटेंशियल वी बी होगा। तो डी वी का पोटेंशियल इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा वी, माइनस लगा रहेगा, यहां है वी ए, यहां पर लिखा जाएगा वी बी। इधर से देखो यहां क्या आएगा, यहां पर देखो ए की वैल्यू थी वन कामा वन, तो वन कामा वन पुट कर दीजिए, ऊपर है टू कामा टू तो टू कामा टू पुट करिए, ई की वैल्यू कितनी है दे दी गई है ट्वेंटी आई कैप प्लस थर्टी जे कैप डॉट डी आर, कितना है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप होता है, रख दीजिए। अभी क्या है देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा माइनस, यहां आएगा वी बी माइनस वी ए, ये आ जाएगा। और यहां से क्या मिलने वाला है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा 20 dx आएगा, और इसको देखो ये x की लिमिट क्या होगी, i का i के साथ मल्टीप्लाई किया और i की लिमिट क्या होगी, i का मतलब x के लिए लिमिट क्या होगी 1 से 2 तक, तो यहां 1 से 2 कर दीजिए प्लस, अब y j का j से कर दीजिए तो ये आएगा 30 dy आ जाएगा। लिमिट क्या आएगी, y वाली लिमिट 1 से 2 हो जाएगी, तो ये 1 से 2 आ गई। देखो यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा माइनस वी बी और ये हो जाएगा प्लस वी ए, मतलब यहां से आएगा वी ए माइनस वी बी आ गया।
अभी देखो क्या है, यहाँ से 20 बाहर आएगा और dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, लिमिट हमारे पास 1 से 2 है। यहाँ पर देखो 30 बाहर आएगा, लिमिट हम dy का क्या होगा, y होगा, और लिमिट 1 से 2 लगा देंगे। यहाँ से आएगा va, देखो आपको a पर पोटेंशियल पता है, a पर पोटेंशियल पता है, कितना पोटेंशियल है, a पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो हम 10 वोल्ट रख ही देते हैं। माइनस vb ये आ जाएगा, यहाँ देखो कितना आया 20, यहाँ से 2 माइनस 1, यहाँ से आएगा 30, यहाँ से आएगा 2 माइनस 1, तो देखो ये आ गया 10 माइनस वी बी इज इक्वल टू ये आएगा 20, और प्लस यहाँ से आएगा 30, तो ये तो हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 आ गया, यहाँ से आएगा 10 माइनस वी बी आएगा। अब यहाँ से वी बी को इधर लेके जाइए, तो यहाँ से कितना आएगा 10 माइनस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी, तो वी बी इज इक्वल टू लिखोगे कितना आएगा, माइनस का 40 बोल्ट आ जाएगा बच्चों, कितना आया माइनस का 4 बोल्ट आया। तो वी बी निकालना था आपको, तो वी बी पता चल गया कैसे, देखो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों ये यहां पर ये देख रहे हो कि जो पॉइंट है 1,1 और ये 2,2 पॉइंट जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या होना है कि पोटेंशियल को तो घटना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ना डायरेक्शन में घटना ही है, पहले ये पॉइंट पास था फिर ये पॉइंट धीरे धीरे दूर हो रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या आना है, यहां पर देखो ये वी बी माइनस का हो गया और वी ए प्लस का हो गया, तो वी ए की वैल्यू आपको दी गई थी, वी बी आपको निकालना था, एज इट इज कर देंगे, इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम में आंसर क्या आने वाला है, यहां पर देखो यहां पर क्या है कि ई दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कुछ एक्स डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप में है, और क्या बोला गया, एज्यूम कर लीजिए कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो है, वो तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, वीपी आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में दो तरीके से बात की जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है ई दिया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी फाइंड करिए, इतना बोल दिया गया, इसका मतलब आपको एज्यूम करना है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो है, या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कुछ ई दिया जाएगा, ए पॉइंट दिया जाएगा उसका पोटेंशियल दिया जाएगा, बी पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल निकालना है, या तो आपको एक ही पॉइंट दिया जाएगा और पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब दूसरा वाला पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी पे है, ऐसा एज्यूम करना है। यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या आएगा इंटीग्रेशन होता तो ये माइनस डी वी इज इक्वल टू क्या है ई डॉट डी आर होगा, क्या होगा ई डॉट डी आर होगा, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस बाहर आएगा डी वी आएगा, यहां से इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होगा। अब बच्चों देखो यहां पर ई जो है वो केवल आई वाला है, तो डी आर भी केवल आई वाला ही होगा, यहां देखो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ई कितना है ए बाई एक्स क्यूब, यहां आई कैप है, इसका मतलब डॉट लगेगा और डी आर जो होगा वो केवल डी एक्स आई कैप ही वाला होगा, यहां मुझे वाई और जेड लिखने की जरूरत नहीं है, यहां कितना आ जाएगा। अब समझो एक पोटेंशियल जब इन्फिनिटी पे होता है तो पोटेंशियल यहां पे जीरो होगा, जब ये पॉइंट पी पर होता है तो पोटेंशियल आपको निकालना है वीपी, समझ में आया, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, जब पॉइंट पी पे होगा तो पोटेंशियल वीपी होगा, तो यहां आ जाएगा वी और लिमिट लगाओगे माइनस, यहां जीरो यहां वीपी, तो लिखा क्या जाएगा माइनस वीपी माइनस जीरो इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा सिर्फ ए बाई एक्स क्यूब डी एक्स आ जाएगा, यहां से ए बाहर कर देंगे, ए बाहर करेंगे तो ए ऐसे आएगा एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स आ जाएगा। यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको बच्चों ये लगाना है, देखो यूजिंग इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, लिमिट दी होंगी तो आपको सी नहीं लगाना है, ये देखो यहां पर लिमिट आपको पता है कितनी है, लिमिट देखो इन्फिनिटी से पॉइंट पी, क्या दी गई लिमिट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इन्फिनिटी से पॉइंट पी है, और पॉइंट पी है इन्फिनिटी से पॉइंट पी, इन्फिनिटी से पॉइंट पी, पॉइंट पी कहाँ है एक्स डिस्टेंस पे है, तो हम पी को एक्स लिख लेंगे अभी। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आने वाला है, वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये माइनस वी पी हो जाएगा, माइनस वी पी ये जीरो कोई मतलब नहीं,
यहां पे कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखो ए बाहर ही है, एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन, तो ये आएगा माइनस थ्री प्लस वन, नीचे आएगा माइनस थ्री प्लस वन, और इसमें लिमिट क्या आएगी इन्फिनिटी से पॉइंट पी, और पी क्या होगा एक्स के बराबर है, जो पॉइंट पी है वो कितना है एक्स है, तो मैंने एक्स लिख दिया है। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस टू, तो ए बाई माइनस टू आ गया, ए बाई माइनस का टू, और ऊपर से आ जाएगा x की पावर माइनस टू, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से x। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a बाई माइनस का टू, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी से x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस a बाई टू, माइनस a बाई टू, और यहाँ आ जाएगा कितना, पहले x रखेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी के स्क्वायर, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वी पी इज इक्वल टू, वी पी इज इक्वल टू ए बाई टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो ए पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी जाएगी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस तरह का कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, इतने वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट देखना है, और फॉर्मूला कौन सा लगाना था, फॉर्मूला सिर्फ आपको यही लगाना है, चाहे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपके पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में ये अप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे अप्लीकेबल होगा सिर्फ वो आपको देखना है, उसी की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर थर्ड टाइप की बात करते हैं। तो थर्ड टाइप में कैसी प्रॉब्लम बनती है, आपको वी दिया जाएगा, ई निकालना है। अब वी दिया जाएगा तो वी किस तरह से दिया जाएगा, सिंगल वेरिएबल होगा या डबल वेरिएबल होगा या ट्रिपल वेरिएबल होगा, हो सकता है सिंगल वेरिएबल हो या मल्टीपल वेरिएबल हो। सिंगल वेरिएबल होगा तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, अगर मल्टीपल वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, बस यही काम। इसमें करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। सिंगल वेरिएबल है, मैंने देख लिया है एक्स स्क्वायर केवल एक्स वाला है, वाई जेड नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों है, इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। सॉल्यूशन देखिए, पहले इसको देखते हैं फिर इसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको v गिवन है, e निकालना है। कैसे निकालना है, v दिया गया है, और v दिया गया है तो e निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि x वाला ही दिया गया है, सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको सिर्फ क्या निकालना है, ई एक्स ही निकालना है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो क्या है, एक्स वाई जेड तीनों हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ई एक्स भी निकालना है, ई वाई भी निकालना है, ई वाई भी निकालना है, और ई जेड भी निकालना है। जब तीनों निकालेंगे तभी आप ई निकाल पाओगे, ई का मतलब होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये आपको करना है। यहाँ पर ई एक्स निकालना है, ई एक्स निकल आएगा, कैसे निकलेगा, अब देखो ई इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी आर, तो मैं सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, सिंगल वेरिएबल है तो मैं ई एक्स को ले सकता हूँ क्या, माइनस डी वी बाई डी एक्स, सिर्फ ये लिख दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। जहाँ डी आर था वहाँ एक्स, आर को मैं एक्स में वाई में जेड में तीनों में ले सकता हूँ। यहाँ पर जरा देखो क्या कर सकता हूं मैं, माइनस डी बाई डी एक्स, और क्या दिया जा रहा है, यहां दिया जा रहा है वी की वैल्यू कितनी, फोर एक्स स्क्वायर है, तो यहां से फोर बाहर आ जाएगा, माइनस फोर होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका होता है n x की पावर n माइनस वन आ जाता है, क्या आता है n माइनस वन आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू आगे आएगा, माइनस फोर लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, टू एक्स की पावर टू माइनस वन, मतलब मैं लिख सकता हूँ कितना, फोर टू ज़ा एट, और x की पावर क्या आएगा, वन आएगा, वन लिखने की ज़रूरत है नहीं। किस पॉइंट पे निकालना है ज़रा देखो, ई एक्स किस पे है,
ये पॉइंट है 1, 2, 3, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये जो ई एक्स होगा वो किस पे है, इसका मतलब होता है एट, किस पे निकालना 1, 2, 3, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी -8 × 1 लिखा जाएगा, एक्स की जगह पे क्या है 1 है, 1 आएगा, कितना आएगा माइनस का 8 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल तरीके से आ गया सिंगल वेरिएबल का। अब जरा देखो मल्टीपल वेरिएबल है, इस क्वेश्चन में कितने हैं, मल्टीपल वेरिएबल दिए जा रहे हैं। जब मल्टीपल वेरिएबल दिए जाएंगे तो पहले ई एक्स निकालना है, तो ई एक्स को कैसे लिखोगे, देखो यहां से ई एक्स को लिख सकते हो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, यहां ऐसे लिखना है, यहां और यहां में फर्क है, ये सिंगल वेरिएबल है ये मल्टीपल वेरिएबल है, क्या आएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, वी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब मुझे केवल इसको x में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो yz कॉमन हो जाएगा, माइनस yz बाहर कर दिया और लिखा जाएगा डेल ओवर डेल x, यहाँ पे आएगा कितना x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या होगा माइनस yz, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बस समझ में आया 2x हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस yz बाहर है, x स्क्वायर का 2x हो गया। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए, कितने पे होती है 1, 2, 3 पर, तो ई एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई एक्स की वैल्यू एट 1, 2, 3, यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा एक्स की वैल्यू, पहले इसको सही से लिख लो, कितना लिखा हुआ है माइनस 2xyz लिखा है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस का 2, एक्स की वैल्यू 1 × 2 × 3, ये आ जाएगा 2, देखो 2, 3, यहाँ आएगा 3×2=6 और 6×2=12, माइनस का 12 वोल्ट, ये रिजल्ट यहाँ से आ जाता है। फिर आप बात करते हैं किसकी, ई वाई की, ई वाई कैसे निकालोगे, ई वाई देखोगे तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई आएगा, माइनस बाहर कर लोगे, डेल वाई यहाँ लिखोगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई जेड, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और जेड को बाहर करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखा जाएगा डेल ओवर डेल y और यहाँ आएगा y, तो y के रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना माइनस एक्स स्क्वायर जेड आ गया। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई वाई की वैल्यू क्या आती है एट 1, 2, 3, इसका मतलब इस लाइन का मतलब होता है एट, क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू वाई, जेड की वैल्यू कितनी 3, तो ये आएगा 3, इसका मतलब माइनस का 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर आएगा, यहाँ क्या आएगा वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। फिर देखो तीसरी वैल्यू क्या आती है, ई जेड आती है, ई जेड कैसे निकालोगे, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, यहाँ से कितना आएगा माइनस डेल ओवर डेल जेड, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दोगे माइनस एक्स स्क्वायर और वाई बाहर रहेगा, डेल ओवर डेल जेड यहाँ पर रहेगा जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि जेड यहाँ है जेड यहाँ है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब जरा वैल्यू निकालो, ई जेड एट किस पे है 1, 2, 3, तो माइनस एक्स की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। देखो बच्चों इसको हम किस में कर रहे थे, z में कर रहे थे ना, सॉरी यहाँ पे इसको मैंने z में किया तो y बचा है, y की वैल्यू देखो यहाँ 2 है, 2 दी गई है, तो यहाँ से आएगा माइनस 2 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब मुझे ex मिल गया है, ey मिल गया है और ez मिल गया है, तीनों की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो पुट कर दीजिए रिजल्ट क्या आएगा, देखो स्पेस यहाँ पे है, तो ई जो रिजल्ट आने वाला है, ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई एक्स की वैल्यू देखो ये आई है -12, ई एक्स की वैल्यू -12 आई कैप, दूसरा क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू आई है -3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 जे कैप, फिर क्या आएगा ये भी माइनस में आया है तो -2 के कैप, ये तो हो गया किसके फॉर्म में, ये आए थे कंपोनेंट, ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्स ई वाई ई जेड को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, क्या होता मैग्नीट्यूड ऑफ
ई वेक्टर, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आप इसको निकाल लेते माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर कर लेते आप, माइनस थ्री का स्क्वायर कर लेते और यहाँ टू का स्क्वायर कर लेते, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए यहाँ पर लिख देना। देखिए 144 होता है इसका, 144 प्लस इसका 9 आएगा और इसका आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 9 4 13, और 13 इसमें ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13, 7 आएगा और यहाँ आएगा 5 157, ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये बच्चों आपको यहाँ से मिल जाता है वोल्ट पर मीटर। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आप निकाल सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब मैं बात करूंगा किस केस की, फोर टाइप की बात करता हूं जिसमें आपको ग्राफ से कैसे डील करना है वो सिखाना है मुझे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। तो फोर्थ जो टाइप है उसमें ग्राफ आता है। ग्राफ क्या आता है, वी वर्सेस आर ग्राफ आता है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। ये ग्राफ आपको क्या शो करते हैं जरा देखो। इन ग्राफ पे जाने से पहले थोड़ी समय बात करूं 11th क्लास की, तो आपने पढ़ा होगा, देखो एक पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती थी वो क्या देती थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो क्या लिखा है इसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैं ऐसे ले देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती थी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो आपको क्या देता था, वो देता था एक्सेलरेशन। क्या देता था, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उसी के एरिया की मैं बात करता, किसकी बात करता, एरिया अंडर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता था आपको, वो देता था वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया था वो देता था डिस्प्लेसमेंट। क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। बस इसी से इसको रिलेट कर देते हैं। तो देखो जरा यहां पे बात हो रही है कि एक समय स्लोप निकालूंगा, एक से निकालूंगा एरिया, दोनों क्या देने वाले हैं। देखो यहां पे है पोटेंशियल, है वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। तो मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ का स्लोप क्या देता है। स्लोप का मतलब ऐसे होता है, ये थीटा होता है, मान लो मैं यहां तक लेके गया तो ऐसे करना पड़ेगा, तो जो ये चीज आएगी वो क्या होता है, वो डेल्टा वी होगा, पोटेंशियल होगा, और ये क्या होगा, ये डेल्टा आर होगा। तो यहां पर जो स्लोप आएगी वो स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ क्या दे रहा है, वो दे रहा है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर दे रहा है। अब डेल्टा वी बाई जो डेल्टा आर आया है इसमें क्या करना है, अगर मैं लगा दूं, क्या नेगेटिव लगा दूं, ये तो क्या बता रहा है, ये तो मुझे बता रहा है, ये तो केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, लेकिन अगर इसके आगे मैं नेगेटिव लगा दूं तो यहां पर क्या मिल जाएगा, जो स्लोप है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ की स्लोप है, या नेगेटिव आप ऐसे कर सकते हो, ये तो ये आ गया। अब यहां पे बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ, ऐसा बोलता हूं नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ये क्या मिलने वाला है, ये मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है। यहां से जो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आया है उसका जो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं, देखो ई इज इक्वल टू जो होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स है, तो डी वी बाई डी एक्स का जो नेगेटिव होगा वो क्या देता है, ये होता है स्लोप ऑफ, इसको बोल सकता हूं मैं नेगेटिव स्लोप ऑफ
पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो आप ये कह सकते हो ना कि जो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है वो किसके इक्वल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। वैसे ही यहाँ अगर मैं बात करूँ एरिया की, बात करूँ चाहे वो एरिया यहाँ स्क्वायर बना हो, चाहे ट्रेंगल बना हो या ट्रेपेजियम बना हो, एरिया तो आप निकाल ही लोगे। मैं बात करता हूँ इसकी, इसकी मैं बात करता हूँ, तो जो ये एरिया आएगा किसका एरिया आएगा, एरिया एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ग्राफ। तो क्या आएगा, एरिया अंडर ई आर ग्राफ क्या देता है, गिब्स, गिब्स क्या देगा, नेगेटिव, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल क्या देगा, ये देगा माइनस डीवी। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल ये देगा नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले से अगर मैं रिलेट करता हूं, कैसे, इस फॉर्मूले से अगर मैं रिलेट करता हूं, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इसका मतलब जो ये होगा माइनस डीवी वो क्या आता है, वो ई डी आर के इक्वल होता है। ई डी आर क्या चीज है, ये एरिया अंडर ई वर्सेस डी आर है, एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ क्या देता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल देता है। तो आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ क्या देता है, उसको रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया 11th क्लास में जो पढ़ा था उसी से रिलेट करिए। एरिया मतलब जैसे यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पर क्या देगा, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए इज इक्वल टू लिखा था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जैसे स्लोप आ रहा था, स्लोप क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन कैसे आया, एक्सेलरेशन जब मैं लिख सकता था कि एक्सेलरेशन जो आता है ए, ए आता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, टी इधर वी बनेगा, तो वी टी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन, इधर आएगा ये आ जाता है। एरिया की बात करेंगे तो ये आता है, इधर वी होता है इधर टी होता है, एरिया निकाल लेंगे इसका एरिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ही तो आता है। वैसे ही इन दोनों की बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी, एरिया मतलब ई डी आर करेंगे तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल आएगा, अगर वी वर्सेस आर करेंगे तो वी वर्सेस आर करेंगे तो क्या आएगा, डी वी बाई डी आर क्या होता है, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू होता है माइनस ई। ऐसा कह सकते हो कि जो स्लोप होती है वी वर्सेज आर की, या तो वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, या फिर कह सकते हो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी वर्सेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बच्चों ये इस तरह की जो प्रॉब्लम बन सकती थी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशनशिप से जो प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, जो आज तक अभी पूछी गई हैं, उनका जो पैरामीटर होता है, किस तरह से प्रॉब्लम बनती है, उनको कैसे सॉल्व करना है, मैंने उन सारी प्रॉब्लम को लिया। होपफुली आपका ये कंसेप्ट अब स्ट्रांग हो चुका होगा, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के वीडियोज़ को खुद पढ़ने के बाद दूसरों को आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।